नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमन पवार, आपका बॉलीवुड इन्फी चैनल में स्वागत है। तो चलो बात करते हैं बॉलीवुड की तमाम खबरों के बारे में। नंबर वन, पेरिनीति चोपड़ा ने दिखाई वेडिंग फंक्शन की अनसीन फोटोज, लोग बोले कियारा को कॉपी कर लो। बस बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने बीते महीने सितंबर में अपने बॉयफ्रेंड और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के साथ शादी की है। परिणीति चोपड़ा ने शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया था। अब परिणीति चोपड़ा ने अपने प्री वेडिंग फंक्शन की अनसीन फोटोज शेयर की हैं। परिणीति चोपड़ा के फैंस इन तस्वीरों पर प्यार बरसा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया के कई यूजर्स ने परिणीति चोपड़ा को जमकर ट्रोल किया है। नंबर टू, शाहरुख खान की फिल्म जवान को रिलीज हुए 50 दिन पूरे हो गए हैं। फिल्म 7 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और पहले दिन से ही बॉक्स पर शानदार कमाई कर रही है। जवान ने ओपनिंग डे पर 75 करोड़ के साथ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। जवान पहले संडे को 80 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसी के साथ एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब भी जवान अपने नाम कर लिया था। हालांकि अब फिल्म के कलेक्शन की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है और जवान की कमाई चंद लाखों में सिमट कर रह गई है। सैकनिल्क की रिपोर्ट की माने तो 50वें दिन भी जवान ने 11 लाख कमाए हैं। नंबर थ्री, रानी मुखर्जी ने सिल्क की साड़ी पहन ढोल की थाप पर जब लगाए ठुमके, सोने के कंगन पहन यूं किया, सिंदूर खेला। रानी मुखर्जी के पास साड़ियों का शानदार कलेक्शन है और इसका सबूत बार बार दिखाई देता है। हाल ही में जब ये अदाकारा सिंदूर खेला में पहुंची तो इस दौरान भी उनकी साड़ी पर हमारा दिल आ गया। ऊपर से जिस तरह से उन्होंने सोने के गहने पहन अपने आप को स्टाइल किया था, वो परफेक्ट फेस्टिव लुक दे रहा था। नंबर फोर, बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को लेकर कुछ समय पहले खबरें आई थीं कि उन्होंने नॉनवेज और शराब का सेवन करना छोड़ दिया है। इसका कारण बताया गया था उनकी आने वाली फिल्म रामायण। नितेश तिवारी की आ रही मेगा बजट फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम का किरदार निभा सकते हैं। ऐसे में कहा जा रहा था कि एक्टर ने इस फिल्म के लिए मांस मदिरा छोड़ दी है, लेकिन इन खबरों को महज अफवाह के तौर पर माना जा रहा था। अब खुद आलिया भट्ट के पति रणबीर कपूर ने इन खबरों की पुष्टि की है, लेकिन नॉनवेज और शराब छोड़ने का कारण कुछ और है। आइए बताते हैं आखिर क्यों रणबीर ने क्यों ये सब छोड़ा है। हाल में ही रणबीर कपूर झूम के जरिए फैंस से रूबरू हुए। यहां उन्होंने वाइफ आलिया भट्ट और बेटी राहा कपूर को लेकर भी ढेर सारे जवाब दिए। वैसे तो वह जल्द ही एनिमल में नजर आने वाले हैं। इस दौरान वह फैंस से रूबरू हुए और पर्सनल व प्रोफेशनल ढेर सारे टॉपिक्स पर खुलकर बातचीत की। एंड इवन वर्किंग विद संदीप हैज बीन सच अ एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज एन एक्टर बिकॉज़ ही इज सो ओरिजिनल, यू नो, देयर इज नथिंग रेफरेंस्ड इन हिज फिल्म्स। एवरीथिंग दैट आई वाज डूइंग इन एनिमल एज द कैरेक्टर वाज सो न्यू, यू नो, आई कीप सेइंग दिस इज द नंबर 5, थलापति विजय और लोकेश कनगराज की फिल्म लियो ने कमाई के मामले में गदर 2 से लेकर जेलर तक को पछाड़ दिया है। हालांकि 7वें दिन फिल्म की कमाई दोगुनी गिर गई। लियो ने 7 दिनों में कहां कितना कलेक्शन किया है, जानिए गदर 2। जवान और पठान के बाद जिस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर रौनक दिखी है वह है थलापति विजय की लियो। 19 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म 6 दिन में वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ के नजदीक पहुंच चुकी है। वहीं देश भर में 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। और तो और इस फिल्म ने सनी देओल की गदर 2 और जेलर को भी पछाड़ दिया है। लेकिन एक सच यह भी है कि लियो की कमाई लगातार गिरती जा रही है। 7वें दिन यानी 25 अक्टूबर को लियो के कलेक्शन में जबरदस्त गिरावट आई। नंबर 6, प्रेगनेंसी की खबरों के बीच बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखी अनुष्का शर्मा, फोटो वायरल। पिछले कुछ दिनों से अनुष्का शर्मा की प्रेगनेंसी की अफवाहें जोरों पर हैं। ऐसी अटकलें हैं कि एक्ट्रेस और उनके क्रिकेटर पति विराट कोहली वामिका के बाद अपना दूसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब एक तरफ जहां यह कपल इस खबर को लेकर चुप्पी साधे हुए है, वहीं अनुष्का ने अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट करते हुए एक तस्वीर शेयर की है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी पहली प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट करते हुए भी एक तस्वीर शेयर की थी। फिलहाल जो तस्वीर है उसमें वो एक फोन ब्रांड की प्रमोशन करती दिख रही हैं।